एसडीएम ज्योति मौर्य मामले में हुई पटना वाले खान सर की एंट्री। एसडीएम ज्योति मौर्य केस के बाद खान सर को लगा तगड़ा झटका। बीपीएससी बैच के 93 लोगों ने अपनी पत्नियों को छुड़वाया कोचिंग। यूपी की पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का आपसी विवाद सुर्खियों में है। दोनों पक्षों का अलग अलग दावा है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन इस पूरे केस पर असर अब दिखने लगा है। पटना में कोचिंग चलाने वाले फेमस टीचर खान सर के एक वायरल वीडियो में उन्हें यह कहते हुए लोग सुन रहे हैं कि बीपीएससी बैच के 93 लोगों ने अपनी पत्नियों को कोचिंग से हटा दिया है। हालांकि द पब्लिक एक्सप्रेस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खान सर के एक कोचिंग का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने क्लास के दौरान बच्चों से पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खबरों पर बात कर रहे हैं। खान सर ने कहा कि कभी कभी लोग ऐसी गलती करते हैं कि बालिकाओं के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। अब कौन पढ़ाएगा लड़कियों को? आप लोगों को सुनकर कैसा लगा? बहुत खराब ना? वीडियो में खान सर कहते हुए दिख रहे हैं कि ज्योति मौर्य और आलोक के प्रकरण के सामने आने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाली उनकी कोचिंग से 93 महिला प्रतियोगियों के पतियों ने उन्हें वापस बुला लिया है। लाख समझाने के बाद भी उनके पति नहीं माने। हमने कहा कि अरे भाई, हर औरत ज्योति मौर्य नहीं हो जाएगी, फिर भी लोग नहीं माने। इस खबर में इतना ही। वैसे इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अन्य खबरों के लिए विजिट करें thepublicexpress.com।